अगेन डियर स्टूडेंट्स, आई एम अभिनंदन कुमार आजाद एंड यू आर वॉचिंग एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। एज यू नो, ड्यू टू COVID-19 CBSE हैज रिड्यूस्ड 30% ऑफ क्लास 10th सिलेबस एंड नाउ इन टूडे वीडियो वी विल डिस्कस डिलीटेड सिलेबस ऑफ क्लास 10th। Dear students, as you know, CBSE reduced syllabus by 30%. Today's video, watch here, deleted syllabus of CBSE class 10th. With the CBSE syllabus for 2020-21 reduced by 30%, we discuss here the deleted portion of the CBSE class 10 syllabus in various subjects. Dear students, HRD Minister Ramesh Nishank, announced a major CBSE syllabus reductions for the new academic year 2020-21 on July 7, which was soon followed by an official notification by CBSE on the same. Now, we are discussing that what and why they are happening. Considering the loss of classroom teaching time due to the COVID-19 pandemic and lockdown, CBSE reduced the syllabus of class 9 to 12 with the help of suggestions from NCERT. The syllabus had been rationalized, keeping intact the learning outcomes so that the core concept of the students can be retained. CBSE stated in its notification that the deleted portion of the CBSE syllabus should not be considered for the internal assessments or for the year-end board exams. However, teachers should ensure that the deleted portion are explained to the students so that they can use it to connect to other topics, the notification said. In easy word, if I say that syllabus is deleted for students, not for teacher. Teachers should teach all the syllabus, but questions are only asked from new released syllabus. The CBSE syllabus has been reduced slightly in early April, mainly in the practical portion. But as the lockdown got extended and the COVID-19 pandemic became worse, a bigger syllabus reductions was on the card. Dear students, now I discussed all deleted portion of syllabus subject by subject. So watch this video carefully and to the end. तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि CBSE ने syllabus को कम किया, 30% तक syllabus को reduce कर दिया है, काफ़ी बड़ा major change है ये। तो इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि किस सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक को हटाया गया है ताकि हम उसे ना पढ़ना पड़े। पर ध्यान में से बता दूं आप लोगों को कि ये रिड्यूस जो सिलेबस में हुआ वो स्टूडेंट के लिए हुआ, टीचर के लिए नहीं हुआ। उनको सारा कुछ पढ़ाना है, पर बच्चों से एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन टॉपिक से जिनको हटा दिया गया है वो उन टॉपिक से ना असेसमेंट जो आपका इंटरनल एग्जाम्स होता है उसमें भी नहीं पूछा जाएगा और जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें भी नहीं पूछा जाएगा। पर आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो पढ़ना है। अगर आप किसी कंपिटेटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ वो सब चीज़ें आएगी और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए भी टीचर्स को वो सब चीज़ें पढ़ाना है, बताना है आपको। पर आप पे लोड ना पड़े, आपको कम समय में पढ़ना है, प्रिपरेशन करना है बोर्ड एग्जाम का, तो इसके लिए आपको रिड्यूस सिलेबस को बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के समय उसको हटा देना है, जो रिड्यूस हटा दिया गया है सिलेबस से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उसको क्या क्या हटाया गया है। उससे पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
इस चैनल पे ऐसे ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आता है, तो कुछ भी चेंजेज होता है, कुछ भी सिलेबस में चेंजेज होता है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो आप लोगों से आग्रह है कि भैया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी चेंजेज आए वो तुरंत के तुरंत आप तक पहुँच जाए। जैसे सबसे पहले हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं, तो देखिए डिलीटेड पोर्शन क्या क्या है भाई। क्लास टेंथ का इंग्लिश में ग्रामर में अगर देखते हैं तो यूज ऑफ पैसिव वॉइस ये हटा दिया गया आपके सिलेबस से, क्लॉजेज हटा दिया गया, नॉन एडवर्ब जो क्लॉजेज हैं और कंडीशंस एंड टाइम रिलेटिव ये सब सारी चीज़ें हटा दिया गया है, प्रीपोजिशंस आपके हटा दिया गया है, फर्स्ट फ्लैट टेस्ट आपका हटा दिया गया क्लास टेंथ के बुक से। लिटरेचर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फ्लैट जो टॉपिक है उसको पूरा तरह से हटा दिया गया है। इसमें भी अगर हम डिटेलिंग करेंगे क्या क्या हटाया गया तो उसको भी डिटेलिंग में दिया गया है। पहला हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स ट्रीज फॉग मिजिबल द ऑर्डर फॉर द एनी जीरोग्री ये सब चीज़ों को हटा दिया गया है सिलेबस से। नेक्स्ट जो डिलीट किया गया सिलेबस वो है फुटप्रिंट विदाउट फिट, इसमें जो हटाया गया सिलेबस से वो है द मिडनाइट विटर, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक डैट सेव द अर्थ, ये सब सारे चीज़ों को हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। अगर हम आगे चले हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी काफ़ी कुछ हटाया गया है। देखिए कक्षा टेंथ के पाठ्यपुस्तक से निम्न चीज़ों को हटा दिया गया है। तो हम लोग जो है सो है, मैं सारा सिलेबस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सारा सिलेबस में काफ़ी बल्कि हो जाएगा, काफ़ी बड़ा वीडियो चला जाएगा। वो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं आप CBSE की साइट से, वो नोटिफिकेशन आ गया होगा। पर यहाँ पर मैं जो हटाया गया उस पर विशेष फोकस करता हूँ कि ये सब इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आने वाले। जैसे क्षितिज है, भाग टू है, उसमें काव्य खंड में भी कुछ चीज़ें हटाया गया है और गद्य खंड में भी से बहुत सारी चीज़ें हटाया गया। जैसे काव्य खंड से आपको देव जयशंकर प्रसाद का आत्मकथा, नागार्जुन का यह तंदुरित मुस्कान, फसर ये सब हटा दिया गया है। गिरिजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, उसके आगे मंगलेश डबराल का संगत का, और गद्य खंड की बात करें तो मनु भंडारी का एक कहानी, यह भी ये हटा दिया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इसको भी हटा दिया गया है। यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत, इसको भी हटा दिया गया। आपको कि बचा क्या, सब कुछ तो हटा ही दिया। ये आपका एक और चीज़ है, भंदन आनंद कौशल्यान की संस्कृति जो आपको पढ़ना है गदखंड, उसको भी हटा दिया गया है सिलेबस से। ठीक है, तो पढ़ने को आप कहानी की तरह पढ़ सकते हो पर इससे क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें तो भाई ये हिंदी अंग्रेजी है, अंग्रेजी की तो बात अलग है पर हिंदी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लिटरेचर टर्म्स तो ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आप अपना वोकैबुलरी वगैरह स्ट्रॉन्ग करना चाहते तो अलग बात है, बाकी उसको पढ़ने की विशेष ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी वोकैबुलरी वगैरह अच्छी है तो उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कृतिका भाग टू से भी बहुत सारी चीज़ हटाया गया है, ये हटाया गया है, एहिठायु झुलनी हे रानी हो राम, इसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके आगे आपको हटा दिया गया मैं क्यों लिखता हूँ, इसको भी हिंदी के सिलेबस से कम्प्लीटली हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले। अगर ग्रामर की बात करें, हिंदी ग्रामर की बात करें, तो उसमें भी काफ़ी कुछ हटाया गया है। जैसे अलंकार को हटा दिया गया है व्याकरण खंड से। पद खंड की बात करें तो बिहारी दोहे, महादेवी वर्मा का मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसको भी हटा दिया गया है। ब्रेन डंगवाल का तूप स्पोर्ट टॉपिक को भी हटा दिया गया है। रविंद्र ठाकुर का आत्ममंत्रण ये भी आपका है, उसको भी हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। गद्य खंड की अगर हम बात करें तो सीताराम सेकेसरिया डायरी का एक पन्ना, इसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। प्रहलाद अग्रवाल का तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, इसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अंतोन चेखव का गिरगिट, इस टॉपिक को भी आपको हटा दिया गया आपके सिलेबस से। रविंद्र केलेकर का पतझड़ में टूटी पत्तियां, गिन्नी का सोना, ये सारे चीज़ों को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अगर हम आगे चलते हैं और मैथ की बात करते हैं तो मैथ में भी काफ़ी सिलेबस आपका हटा दिया गया है, बहुत सारे सिलेबस को कम कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, यहाँ भी जो टॉपिक उसमें से हटा दिया गया उसको लिखा हुआ है। जैसे आपका ये पूरा नंबर सिस्टम, इसमें रियल नंबर की हम बात करें तो रियल नंबर में आपका ये टॉपिक हटा दिया गया है। नंबर सिस्टम जो यूनिट है उसमें से रियल नंबर है, रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन लीमा, इसको हटा दिया गया है। अगर हम अल्जेब्रा की बात करें तो अल्जेब्रा में पॉलीमर्स में बात करें तो पॉलीमर्स में हटा दिया गया स्टेटमेंट एंड द सिंगल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलीनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट, इसको हटा दिया गया है। अगर नेक्स्ट टॉपिक में चलें
तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है, ये पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। पढ़ना तो पहले पड़ेगा ही, आपको पढ़ ही लेना चाहिए क्योंकि मैथ है, इसको छोड़ोगे तो आगे आपको अगर मैथ नहीं पढ़ना तो बात ही अलग है। ठीक है, मैथ अगर थोड़ा सा भी, अगर आपको मैथ तो आता ही है, जानते हो कि 10th तक का मैथ आपके जनरल जो कंपिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी आता है, तो इसको छोड़िएगा मत। वो अलग बात है कि बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करते वक्त आपको इसको ध्यान में नहीं रखना है, पर छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो खुद से आप पढ़ रहे हैं, मैं जानता ही हूँ कि आपको पढ़ लेना चाहिए सारा, तो ये हटा दिया गया। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो उसमें आपका सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चीज़ों को हटा दिया गया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो इसमें आपका एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, इस टॉपिक को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। थर्ड यूनिट की बात करें कॉर्नर ज्योमेट्री में, तो कॉर्नर ज्योमेट्री में आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, इसको हटा दिया गया कॉर्नर ज्योमेट्री से। ठीक है, अगर हम आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा सिलेबस से हटाया गया, ऐसा नहीं है कि वो 12th में या 11th में ऐड कर किया जाएगा, नहीं, हटा दिया गया है तो भैया आपकी जिंदगी से हट गया है वो, और वो आगे इस्तेमाल तो आएगा क्योंकि 11th का सिलेबस तो 11th जैसा रहेगा, तो वहाँ पर जो जरूरत आने वाला है तो वो तो जरूरत आएगा ही, तो छोड़ के मत पड़िएगा। ठीक है, तो ये आपका ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, ज्योमेट्री में भी आपका बहुत सारी चीज़ हटाया गया, जैसे आपका ट्राइंगल्स की बात करें तो इसमें आपका प्रूफ ऑफ फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। क्या है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इस टॉपिक को हटा दिया गया है, ये थ्योरम आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है, इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इन इज अ राइट एंगल, इस थ्योरम को भी आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आने वाला है। सर्किल में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, सारी चीज़ें सर्किल से पूछा जाएगा। कंस्ट्रक्शन में आपको डिलीट किया गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्राइंगल सिमिलर टू द गिवन ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन आपको डिलीट कर दिया गया है। ट्रिगोमेट्री में भी काफ़ी कुछ हटाया गया है, ट्रिगोमेट्री में अगर देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री में आपका मोटिवेट द रेशियो विच इवर द डिफाइंड एट 0° एंड 90°, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद आपको हटाया गया है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, हाइट और डिस्टेंस आपको पढ़ना है। देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जो रियल लाइफ की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को रखा गया है। जो अननेसेसरी चीज़ है जिसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो वैसे ऐसी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है, जो बस ऐसे ही आपको आपके भावनाओं को सम्मान करने के लिए या फिर आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए जो दिया गया था, उन सब चीज़ों को हटाया गया है। जो इंपॉर्टेंट लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हटाया नहीं गया है। मेंसुरेशन की बात करें तो एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्किल, सर्किल के एरिया में हटाया गया प्रॉब्लम ऑन द सेंट्रल एंगल ऑफ 120°, इसको हटा दिया गया है। इसमें आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको फर्स्टम ऑफ अ कोन, इसको हटा दिया गया है। आगे अगर मैं स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो स्टैटिक प्रोबेबिलिटी में भी बहुत सारी चीज़ें हटाया गया है, जिसमें हटाया गया आपका स्टैटिक में स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, इसको हटा दिया गया है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इसको हटा गया है। प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं डिलीट किया गया, देखो प्रोबेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है। अगर हम क्लास 10th के साइंस की बात करें तो साइंस में भी काफ़ी कुछ आपका हटा दिया गया है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं डिटेल में क्या क्या चीज़ें हटाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका केमिस्ट्री में हटाया गया केमिकल सबस्टांसेस एंड नेचर एंड बिहेवियर में आपका मेटल एंड नॉन मेटल में आपका बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस को हटाया गया, जिसमें क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, इसको हटा दिया गया आपके सिलेबस से। कार्बन इट्स कंपाउंड्स में भी बहुत सारी चीज़ें हटाया गया, जिसमें आपका हटाया गया है नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपोनेंट कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल हैलोजन एल्कोहल कीटोन एल्डिहाइड एल्केन एंड एल्काइन, डिफरेंस बिटवीन सेचुएटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसेचुएटेड हाइड्रोकार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपोनेंट कंवर्जन ऑक्सीडेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रिएक्शन, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, उसके हटा दिए गए हैं। बाकी आपको चीज़ें थ्योरेटिकल चीज़ें जो इसमें बेसिक चीज़ें वो पढ़ना है आपको। सॉफ्ट एंड डिटर्जेंट को भी हटा दिया गया आपके सिलेबस से, तो इतने सारे चीज़ों को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम वर्ड ऑफ लिविंग में चलते हैं तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें हटाया गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, इसमें हमको ट्रॉपिकल मूवमेंट इन प्लांट्स इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री इनोवेंट्री एंड रिफ्लैक्स एक्शन
केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, ये सब चीज़ों को हटा दिया गया है। हेट्रेडिक एंड इनोवेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, अगर हम फिजिक्स में चलते हैं तो नेचुरल फिनोमेनाज में भी चीज़ें को हटाया गया है। नेचुरल फिनोमेना में आपको आई वाले चैप्टर से हटाया गया है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में से काफ़ी चीज़ें हटाया गया, जैसे फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में जो लेंस होता है उसमें क्या उसका फंक्शन है उसको हटा दिया गया है। डिफेक्ट्स ऑफ द विजन एंड देयर करेक्शंस, इसको भी हटा दिया गया सिलेबस से आपके। एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेज, इसको हटा दिया गया आपके सिलेबस से। ठीक है, उसके बाद अगर हम इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें, उसमें भी आपको इफेक्ट ऑफ करंट में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, एसी करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इन सब चीज़ों को हटा दिया गया आपके सिलेबस से। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में भी हम लोग को हटा दिया गया। फिजिक्स का एक और टॉपिक है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें भी काफ़ी कुछ हटा दिया गया, लगभग सारी चीज़ें हटा दिया गया। सोर्स ऑफ एनर्जी में आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सारे चीज़ों को आपके सिलेबस से हटा दिया गया। इसमें तो लगभग सारा का सारा चीज़ हटा ही दिया गया। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल में भी बहुत सारी चीज़ें हटा दिया गया है, प्रैक्टिकल वाला भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हटाया गया। फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल बाय यूजिंग पीएच पेपर यूनिवर्सल डिटेक्टर, तो ये आपका इन सब चीज़ों का जो आपको पीएच वैल्यू निकालना था वो हटा दिया गया है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, पैरेलल सीरीज में जो रेसिस्टेंस को का कनेक्शन करके उसका जो रिजल्ट निकालना था उसके लिए एक्सपेरिमेंट आपको करना था, वो एक्सपेरिमेंट को भी हटा दिया गया आपके सिलेबस से। उसके बाद है प्रिपेयरिंग अ टेम्पररी माउंट ऑफ द लीफ पील टू शो स्टोमेटा, इसको भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है प्रैक्टिकल को भी। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एसेटिक एसिड, एथेनोलिक एसिड, इसको भी आपको ये सब चीज़ों को आपको देखना था, वो सब चीज़ों को हटा दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ द कंपरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द सैंपल ऑफ सॉप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, इसको हटा दिया गया आपके सिलेबस से। फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस फॉर द वेरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड ड्राइंग द कॉरस्पॉन्डिंग रे डायग्राम टू शो द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, इस टॉपिक को ये फिजिक्स का है एक्सपेरिमेंट, इसको भी हटा दिया गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द डायकोट सीड, पिया, ग्राम और रेड किडनी, ये सब चीज़ों को हटा दिया गया आपके सिलेबस से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंटरनल असिसमेंट की बात करें, तो इसमें भी से भी आपके चीज़ों को हटा दिया गया, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स ये टॉपिक है, इसमें से हटा दिया गया है। कंजर्वेशन ऑफ द जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जाम्पल ऑफ पीपुल्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, बिग डैम्स, एडवांटेज ऑफ द लिमिटेशंस, alternatives if any water harvesters harvest sustainability of natural resource, इन सब चीज़ों को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अभी और भी चीज़ें हम लोग को देखना है, जिसमें हम लोग को SST देखना है। SST में क्या क्या हटाया गया है, SST में आपको अगर हम चलते हैं इंडियन एंड द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड, यह हिस्ट्री का टॉपिक है, इसमें से भी काफ़ी कुछ हटा दिया गया है। सेशन टू की अगर हम बात करें, देखिए इसमें आपको ये देखिए, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो दूसरी तरफ लिखा हुआ है ये है आपका रिकमेंडेड पोर्शन फॉर डिटेशन, ये डिलीट करने के लिए रिकमेंड किया गया है, इसमें ये सब चीज़ें हटाया जाएगा। ठीक है, तो वो आप लोगों को पहले बता दिया जा रहा है। तो सेशन टू में आपका लाइवहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, नोट एनी वन आउट ऑफ द दिस टू चैप्टर्स टू मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें से कोई आपको दोनों में से, ये तो आपको पता ही होगा क्या क्या पढ़ना है, आपको ये तो क्लास में बताया गया होगा टीचर के द्वारा। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें द चूजन चैप्टर टू बी असिस्ट इन द पीरियोडिक टेस्ट एंड नॉट इन बोर्ड एग्जाम, इसमें से एक टॉपिक आपको चुनना है और वो आपको असिस्मेंट में आएगा, ठीक है, पर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। कंप्लीट चैप्टर आपका ये हटा दिया गया है, ये आपका जो सेक्शन 3 है चैप्टर 5 का, उसको हटा दिया गया है। एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, एक कंप्लीट चैप्टर आपका हटा दिया गया है। उसके बाद हम अगर कॉन्टेम्पररी इंडिया की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, ठीक है, तो
तो इसमें आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में कंप्लीट चैप्टर आपका रिमूव कर दिया गया। वाटर रिसोर्स की बात है, कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट द मैप आइटम्स विच विल बी असिस्ट इन द एग्जामिनेशन, जो ये आपका असिस्मेंट में आएगा आपका एग्जामिनेशन में, इसके इसका मैप वगैरह। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स की बात करें तो कंप्लीट चैप्टर को हटा दिया गया है, एक्सपेक्ट द मैप आइटम्स विच विल बी असिस्ट इन द एग्जामिनेशन, वो पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें तो यहाँ पर ये सब सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं। चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया है, सारे चैप्टर्स को ही कम्प्लीटली हटा दिया गया है। उसके आगे है आपका कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें से ये कंप्यूटर एप्लीकेशन सारे बच्चे नहीं लेते हैं तो उनके लिए मैं आपको बड़ा वीडियो नहीं कर रहा हूँ, ये सब आपके टॉपिक्स है जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में हटा दिया गया है, आप नोट कर सकते हैं। होम साइंस वाले बच्चों को भी बहुत कम बच्चे लेते हैं, पर लेते हैं तो उनके लिए बता दूं कि ये सब टॉपिक्स उनके हटा दिए गए होम साइंस में क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और बाकी अपने फ्रेंड वगैरह तक भी इसको पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी पता लग जाए क्या पढ़ना है। देखो पढ़ना सारा सिलेबस है, मैं एक बार फिर से मेंशन कर देता हूँ, टीचर को सारा सिलेबस पढ़ाना है, कहीं भी CBSE उसको रिकमेंड किया है कि टीचर को सारा सिलेबस पढ़ाना है, टीचर को कुछ भी नहीं छोड़ना है, टीचर को हर चीज़ पढ़ाना है, बट स्टूडेंट्स को भी पढ़ना है, पर वो एग्जाम जब प्रिपरेशन करेंगे, जब बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे तो उस वक्त इन चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं, इन सब चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आप पढ़ोगे नहीं तो भैया आपका ये सिलेबस जो छोड़ दोगे वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी भविष्य में दोगे वहाँ तो आएगा ना, वो चाहे SSC का एग्जाम दोगे, बैंकिंग का एग्जाम दोगे, वहाँ पे मैथ वाले वो टॉपिक्स तो आएंगे, क्योंकि अंडर 10th ही उसका सिलेबस होता है, जब भी कोई एग्जाम निकलेगा तो उसका अंडर 10th सिलेबस रहेगा। भाई आपके लिए COVID-19 कैसे आया ना, जो अगले साल वाला है उसके लिए तो नहीं आएगा, तो उसका सिलेबस तो नहीं बदलने वाला, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सिलेबस नहीं बदलते हैं, उसकी तैयारी वो सबके लिए सेम रहता है। भाई जो ज़्यादा है जैसा कंडीशन वो सबके लिए, आपके लिए स्पेशल तो है नहीं, तो जिसने पढ़ा वो एग्जाम निकालेगा, तो आप लोग भी उसको छोड़िएगा मत, ठीक है। समय है तो अभी आपके पास समय है, कई लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कई लोग टीचर से होम ट्यूशन वगैरह कहीं से कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से पढ़ रहे हैं, तो उसको कंप्लीट सिलेबस को पढ़िए, ठीक है। सिर्फ बोर्ड पास करना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य नॉलेज प्राप्त करना होना चाहिए क्योंकि आप क्लास 10th में हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, इसको शेयर जरूर कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।